हेलो वेलकम इन एके स्टडी। मैं हूं अरुण कुमार यादव और आज इस वीडियो में हम देखेंगे मैथ्स क्लास टेंथ का जो आपका एग्ज़ाम हुआ है 5 मई 2022 को, इसके स्टैंडर्ड क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन। यहां पर हम सेक्शन बी एंड सी का सॉल्यूशन देखेंगे, क्योंकि सेक्शन ए जो है ये मैंने आपको पिछली वीडियो में करवा दिया था। अब यहाँ पर जो मेरे पास सेट है वो है सेट 3, ठीक है भाई। तो चलो शुरू करते हैं। यहाँ पर देखो जो सेक्शन बी है इसमें क्वेश्चन नंबर 7 से 10 तक आएगा और हर एक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा। तो पहला क्वेश्चन जो है यानी क्वेश्चन नंबर 7 इस सेक्शन का, इसमें हमें 2 पार्ट में दिया गया, मतलब चॉइस दी गई है। चाहे आप पार्ट ए करो चाहे आप बी करो, चॉइस है आपकी। मैं आपको दोनों करके दिखा रहा हूँ, ठीक है भाई। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पे बोला गया कि जो मीन है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का वो है 25 और हमें फाइंड करना है वैल्यू ऑफ एफ। यहाँ पर क्लास इंटरवल है, नीचे फ्रीक्वेंसी है। इस फ्रीक्वेंसी में जो एफ है इसकी वैल्यू बतानी है क्या आएगी, और इन सभी का मीन कितना है, 25 है, ठीक है। तो मैं आपको जल्दी जल्दी समझा देता हूँ, ठीक है, क्योंकि मैंने पहले सॉल्व कर रखा है। आप अपना आंसर मैच कर सकते हो कि आप सही करके आए हो गलत करके आए हो। बिल्कुल डिटेल में मैं नहीं जाऊँगा, जल्दी जल्दी समझाऊंगा मैं हर एक क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, क्लास इंटरवल मैंने कॉपी कर लिया, जो भी यहाँ पर क्लास इंटरवल था उसके नीचे फ्रीक्वेंसी थी वो यहाँ पर मैंने लिख दी। अब क्योंकि यहाँ पर मीन दिया गया है तो हम मीन का फॉर्मूला लिख लेंगे पहले। तो यहाँ पर मैंने डायरेक्ट मेथड लगाया, तो मीन का फॉर्मूला हो गया सिग्मा एफ आई एक्स आई डिवाइड बाई सिग्मा एफ आई। मतलब क्या, अपने को एक्स आई चाहिए, फिर एक्स आई आ जाएगा, उसके बाद एफ आई एक्स आई को मल्टीप्लाई करेंगे, एफ आई एक्स आई आएगा। एक्स आई हम कैसे निकालते हैं, यहाँ पर जो क्लास इंटरवल है यहाँ पे लोअर लिमिट और अपर लिमिट, मतलब इन दोनों को ऐड करो, डिवाइड बाई 2 कर दो, यानी कि 0 प्लस 10 10 हुआ, 10 डिवाइड बाई 2 5, 10 प्लस 20 30, 30 डिवाइड बाई 2 15, 20 और 30 जोड़ोगे 50, 50 डिवाइड बाई 2 25। इसी तरह से इन दोनों को जोड़ा हाफ किया, इन दोनों को जोड़ा हाफ किया, तो यहाँ से अपने पास आ गया एक्स आई। अब मुझे एफ आई एक्स आई चाहिए क्योंकि फॉर्मूले में ये चीज़ आ रही है, तो एफ आई एक्स आई चिपका के लिखे, मतलब इनका मल्टीप्लिकेशन है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो। तो यहाँ से 5 5 जो 25 हुआ, 18 × 15 करोगे 270 आएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे ये आएगा, एफ को 35 से मल्टीप्लाई करोगे 35 एफ आएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे ये आएगा। अब मुझे एफ आई का समेसन चाहिए और इसका समेसन चाहिए, तो एफ आई का समेसन निकालो, 5 और 18 23, 23 में 15 जोड़ो 38 में ये 6 छोड़ो 44, और जो ये एफ है इसको आप अलग से यहाँ प्लस में लिख दो, मतलब सिग्मा एफ आई आ गया 44 प्लस एफ। कमेंट में मुझे ज़रूर बताना कि आप लोगों के कितने नंबर आ रहे हैं, कितने क्वेश्चन आपके सही हैं, ठीक है। इसी तरह से एफ आई एक्स आई का समेसन निकालेंगे, तो हम क्या करेंगे, 35 एफ जो ये एफ वाली टर्म है इसको तो अलग से लिख दो 35 एफ, बाकी जो नंबर बच गए यानी कि ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला, इनको ऐड कर लो। इन सभी को ऐड करोगे आएगा 940, तो 940 इन सभी को ऐड करने से आया, और जो है 35 एफ है इसको अलग से लिख दिया, ठीक है। तो अपने पास ये आ गया 940 प्लस 35 एफ सिग्मा एफ आई एक्स आई। इस फॉर्मूले में वैल्यू रख दो, सिग्मा एफ आई एक्स आई की वैल्यू कितनी आई है, 940 प्लस 35 एफ डिवाइड बाई सिग्मा एफ आई था कितना है, 44 प्लस एफ, तो नीचे आ जाएगा। जो ये मीन है ये हमें बताया गया है 25 है, ठीक है, क्वेश्चन में बताया गया मीन कितना है 25, तो मीन की जगह 25 लिख दिया। अब जो यहाँ पे ये नीचे है ये इधर आएगा मल्टीप्लाई में, ठीक है, तो 44 जाएगा 25 से मल्टीप्लाई होगा 1100 आ जाएगा। एफ जो है ये जाएगा मल्टीप्लाई में, 25 एफ हो जाएगा, ऊपर वाली चीज़ ऐसे ही बची हुई है। यहाँ पे 35 एफ है, यहाँ पे 25 एफ है, 25 को उधर ले जाओगे, 35 माइनस 25 10 एफ बचेगा, और यहाँ पे 1100 है, 940 माइनस में जाएगा, 1100 माइनस 940 160 बचेगा, तो 10f बराबर 160 है, तो 10 से 10 कट जाएगा, यानी f की वैल्यू आ गई 16, ठीक है। अब देखो जो इसका चॉइस में क्वेश्चन है यानी 7th का बी पार्ट है, इसमें बोला गया है कि हमें मीन फाइंड आउट करना है, और जो हमें मेथड यूज़ करना है वो है एज्यूम्ड मीन मेथड। यहाँ पे ये क्लास इंटरवल गिवन है और ये फ्रीक्वेंसी गिवन है, तो यहाँ पे मैंने टेबल बनाई है, क्लास इंटरवल जो भी था मैंने यहाँ पे कॉपी कर लिया, फ्रीक्वेंसी जो भी थी यहाँ पे कॉपी कर ली। अब हम क्या करेंगे, देखो सबसे पहले हम एक्स आई निकालते हैं, ठीक है, तो एक्स आई निकालने के लिए अभी मैंने जैसे बताया इन दोनों को ऐड करोगे डिवाइड बाई 2 कर दोगे, तो 0 और 5 को ऐड किया 5 हुआ, डिवाइड बाई 2 2.5, फिर 5 और 10 15, डिवाइड बाई 2 7.5। इसी तरह से इनको ऐड करके डिवाइड बाई 2 करोगे ये आएगा, इनको ऐड करके डिवाइड बाई 2 करोगे ये सब आ जाएगा, ठीक। अब अपने को क्या करना है, एज्यूम्ड मीन मेथड लगाना है। एज्यूम्ड मीन मेथड के लिए सबसे पहले हम जो ये एक्स आई है इसमें से जो बीच वाली वैल्यू है इसको ए एज्यूम कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने मान लिया कि जो एज्यूम्ड मीन है अपना वो है 12.5, ठीक है, दो इधर से छोड़ दो, दो इधर से छोड़ दो, बीच में ये आ गया।
ठीक है। जैसे अपने पास a आया, अब हम क्या करेंगे, di निकालेंगे। di कैसे निकालते हैं हम, जो ये di होता है ये बराबर होता है xi आई माइनस ए, यानी कि xi आई में से ये a माइनस करना है, यानी कि इन सभी में से ये चीज़ माइनस कर दो। तो 12.5 में से 12.5 माइनस करोगे आ जाएगा 0, 7.5 में से ये माइनस करोगे आएगा माइनस 5, इसमें से ये माइनस करोगे आएगा माइनस 10। तो सिंपल सी बात है, 5 का टेबल बन जाएगा क्योंकि 5 का गैप था, ठीक है। तो 5 का टेबल ऊपर, 5 का टेबल इस तरह से नीचे लिख दो, ऊपर माइनस का नीचे प्लस का कर दो, ठीक है। ये सब ट्रिक आपको पता होंगे। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, एफ आई डी आई निकालेंगे। एफ आई डी आई मतलब एफ आई और डी आई वाले कॉलम को मल्टीप्लाई करना है भाई। तो एफ आई ये रहा, डी आई ये रहा, इनको मल्टीप्लाई करना है। तो 8 इंटू में माइनस 10 माइनस 80, 7 माइनस 5 कितना हो गया माइनस 35, इसको 0 से करोगे 0 हो जाएगा, 13 5 जा 65, 12 10 जा 120। फिर सिग्मा एफ आई निकाल लो, इन सभी को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 50। इसी तरह से इन सभी का सॉल्यूशन करोगे जोड़ोगे तो कितना आएगा प्लस का 70, ठीक है। देखो यहाँ पे माइनस में कितना जाएगा, इन दोनों को ऐड करोगे माइनस का 115, ठीक है। 115 यहाँ पे 20 है, 100 तो यहाँ पे 5 बच जाएगा, 5 को 65 में जोड़ दो 70, ठीक। अब हम सीधा फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे एज्यूम्ड मीन वाला। तो फॉर्मूला हो जाएगा ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई डिवाइड बाई सिग्मा एफ आई। तो ए की वैल्यू अपने पास क्या है 12.5, सिग्मा एफ आई डी आई 70 आया था यहाँ 70 लिख दिया, डिवाइड बाई सिग्मा एफ आई 50 आया था यहाँ 50 लिख दिया। 10 से 10 कट गया, 7 डिवाइड बाई 5 होता है 1.4, और ये चीज़ यहीं पे। तो 12.5 में 1.4 जोड़ोगे 13.9 आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। अब देखो जो क्वेश्चन नंबर 8 है, इसमें बोला गया है फ्रॉम ए पॉइंट ऑन ए ब्रिज अक्रॉस ए रिवर द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बैंक ऑन अपोजिट साइड्स ऑफ द रिवर आर 30° एंड 45°। मतलब कि देखो नीचे से नदी बह रही है और ऊपर एक ब्रिज यानी कि पुल है। ये नदी का एक किनारा है, ये नदी का दूसरा किनारा है, तो इतनी चौड़ी ये नदी है। अब जो ये पुल है, इससे जब नदी के इस किनारे को देखा जाता है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है 45°, और इसी पॉइंट से जब इस किनारे को देखा जाता है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है 30°। इसके बाद बोला गया कि जो ब्रिज है उसकी हाइट है 8 मीटर की, हमें बताना है कि रिवर की विड्थ कितनी होगी, ठीक है। तो मतलब जो ये हाइट है पुल की, ये ऊंचाई ये है 8 मीटर, और ये नदी की चौड़ाई इतनी कितनी होगी हमें बताना है। तो कैसे करेंगे, देखो ये इसके पैरेलल है, तो मतलब अगर ये 45° है तो ये भी अल्टरनेट एंगल हो गया 45, इसी तरह से ये 30 है तो ये भी हो जाएगा 30। अब हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC, ठीक है। ABC इस वाले ट्रायंगल में देखो, इस ट्रायंगल में जो एंगल B है, अगर मैं इसका टेन बी निकालूं तो टेन क्या होता है परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस, ठीक है। तो टेन बी हो जाएगा AC डिवाइड बाई BC, ठीक है। तो यहाँ से B कितना है 45, तो B की जगह आ गया 45, यानी 10 45 हो गया AC। AC की वैल्यू है 8, यानी कि 8 डिवाइड बाई BC हमें नहीं पता, तो उसकी जगह BC रहेगा। आपको पता है 10 45 1 होता है, तो इसकी जगह 1 लिख दिया, इसको ऐसे ही कॉपी कर दिया। BC इधर आएगा, BC इंटू 1 BC, तो मतलब BC की वैल्यू आ गई 8। तो मतलब इतना तो अपने को पता लग गया 8 है। अब अगर हम ये और निकाल लें तो पूरी चौड़ाई निकल जाएगी, ठीक है ना, ऐड करने के बाद। यानी कि हमारा मकसद है इसको निकालना, क्योंकि इतना तो हमने निकाल लिया। तो मैंने यहाँ पे लिखा इन ट्रायंगल ACD, यानी कि ACD इस वाले ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल में टेन डी जो होगा वो हो जाएगा AC डिवाइड बाई DC, ठीक है भाई। तो टेन डी हो गया AC डिवाइड बाई DC, ये डिवाइड बाई ये। तो डी की वैल्यू कितनी है 30, तो टेन 30 हो गया, AC की वैल्यू कितनी है 8, तो इसकी जगह 8 आ गया, यानी कि 8। तो 8 बाई DC, टेन 30 1/√3 होता है, इसकी वैल्यू ऐसे हमने कॉपी कर दी। तो DC इधर आएगा, DC इंटू 1 DC, और √3 इधर जाएगा, √3 इंटू 8 √3, ठीक है। हमसे क्या पूछा गया था, विड्थ ऑफ द रिवर। तो यहाँ पे रिवर की विड्थ क्या है, पूरी की पूरी B से लेके D तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी BD, ठीक। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया विड्थ ऑफ रिवर है BD, और जो ये BD है कैसे बन रहा है, BC और CD को ऐड करके। तो इसके यहाँ का BC और CD यानी कि DC, तो BC की वैल्यू अपने पास 8 है, तो 8 लिख दिया। DC की वैल्यू अपने पास 8√3 है, 8 कॉमन ले लोगे तो यहाँ पे 1√3 बच जाएगा, 1+√3। तो ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है भाई। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 9, इसमें बोला गया हाइट ऑफ 50 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th ऑफ ए स्कूल आर रिकॉर्डेड एंड द फॉलोइंग डेटा इज ऑब्टेंड। मतलब यहाँ पे ये हाइट है सेंटीमीटर में, उसके सामने नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं, टोटल ये 50 बच्चों की हाइट का डेटा है,
ये क्लास इंटरवल दिया गया है, ये उनकी फ्रीक्वेंसी दी गई है। हमसे बोला गया मीडियन हाइट क्या होगी, तो यहाँ पर देखो जो भी ये क्लास इंटरवल है मैंने यहाँ पे कॉपी कर लिया, जो भी ये फ्रीक्वेंसी है यहाँ पे कॉपी कर लिया। अब मीडियन निकालना है, तो मीडियन के लिए हम क्या करते हैं भाई, सी एफ तो निकालना ज़रूरी है ना। तो सी एफ क्या होगा, फोर की जगह फोर लिखोगे, फिर इसमें नीचे वाला ऐड करोगे, फोर प्लस इलेवन कितना फिफ्टीन, फिर फिफ्टीन में ट्वेल्व ऐड करोगे ट्वेंटी सेवन, ट्वेंटी सेवन में सेवन ऐड करोगे थर्टी फोर, थर्टी फोर में टेन ऐड करोगे फोर्टी फोर, इसमें सिक्स ऐड करोगे फिफ्टी, तो एन की वैल्यू आ गई फिफ्टी जो यहाँ पे लास्ट में आता है। तो एन बाई टू निकालना ज़रूरी होता है यहाँ पे, एन बाई टू क्या होगा, एन फिफ्टी है तो एन बाई टू उसका आधा यानी ट्वेंटी फाइव होगा। अब मीडियन के लिए हम क्या क्या पता लगाते हैं, मीडियन के लिए हमें सी एफ पता होना चाहिए, एफ पता होना चाहिए, एल पता होना चाहिए, एच पता होना चाहिए और एन बाई टू पता होना चाहिए। तो एन बाई टू तो पता है, बाकी चीज़ें कैसे पता लगाते हैं, जो एन बाई टू आया है ये देखो सी एफ में किन दो के बीच में आ रहा है, तो 25 4 और 15 के बीच में आएगा, नहीं आएगा, 15 और 27 के बीच में आएगा, हाँ, तो 25 कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच में है, ठीक है भाई। तो जिसके बीच में है मतलब इन दोनों के जो बीच में है, इसमें से ये ऊपर वाला हो जाता है सी एफ, तो मतलब क्या सी एफ की वैल्यू आ गई 15, और इसके जस्ट नीचे यहाँ पे ही हो जाता है हमारा एफ, यानी एफ की वैल्यू हो गई 12, ठीक है, तो ये हो गया अपना एफ। और इसके सामने वाला ये जो क्लास इंटरवल है, इसकी जो लोअर लिमिट होगी वो एल हो जाएगी यानी 140, हाइट देखो कितना चल रहा है हर जगह, 5-5 का गैप है, 140-145 यानी एच की वैल्यू हो गई 5। तो इस तरह से हम ये निकालते हैं और इस फॉर्मूले में रख देते हैं, मीडियन निकल जाएगा। मीडियन का फॉर्मूला क्या है, एल प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ डिवाइड बाई एफ इंटू एच। तो एल की वैल्यू है 140, यहाँ पर आप देख सकते हो, एन बाई टू है 25, माइनस में सी एफ, सी एफ कितना निकाला है 15, डिवाइड बाई क्या है एफ, एफ कितना है 12, इंटू में हाइट यानी 5, ठीक है भाई। तो 140 की जगह यही रहेगा, 25 माइनस 15 10 हुआ, इंटू में ये 5 ये रहा, डिवाइड बाई 12 था ये रहा, ठीक है भाई। तो 10 5 जा 50 डिवाइड बाई 12, 140 को ऐसी कॉपी कर दो, 50 को 12 से डिवाइड करोगे तो 4.1666 ऐसे ही ये चलता जाएगा। तो अगर हम इसको राउंड ऑफ करें दो डिजिट के बाद तीसरी डिजिट तक, तो यहाँ पे 666 रिपीट हो रहा था, 65 से बड़ा है तो एक ज़्यादा कर दोगे, उम्मीद आपको राउंड ऑफ करना आता होगा, ठीक है। तो इसमें ये ऐड करोगे ये आ जाएगा, तो ये हो गई मीडियन हाइट, और जो हाइट है वो किस में है, सेंटीमीटर में, ठीक। चलिए आगे चलते हैं, अगला जो क्वेश्चन है ये कंस्ट्रक्शन का है, तो कंस्ट्रक्शन वाली लिंक दे दूंगा मैं वीडियोज़ के, तो वहाँ से आप देख सकते हो, ठीक है। ये कंस्ट्रक्शन काफ़ी ईजी थी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 यानी सेक्शन सी में आ चुके हैं हम। तो आप जो क्वेश्चन नंबर 11 से 14 तक होगा वो चार नंबर का होगा हर एक क्वेश्चन। अब देखो जो क्वेश्चन नंबर 11 इसमें बोला गया कि एक दो डिजिट का नंबर है और जो इसके दोनों डिजिट हैं उनका प्रोडक्ट जो है वो 24 है, ठीक है। अगर 18 सब्ट्रैक्ट कर देंगे हम उस नंबर में से तो जो नंबर के डिजिट्स हैं वो इंटरचेंज हो जाएंगे, हमें बताना है कि नंबर क्या है, ठीक है भाई। तो मान लेते हैं भाई जो भी दो डिजिट का नंबर होगा उसमें एक यूनिट डिजिट होगा, एक टेंस का डिजिट होगा, ठीक है। तो मान लेते हैं लेट यूनिट्स डिजिट इज एक्स एंड टेंस डिजिट इज वाई। तो अपने पास नंबर कैसे आता है, नंबर आता है कि हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं टेंस डिजिट को और यूनिट डिजिट को ऐड कर देते हैं, ये सब मैंने आपको बताया हुआ है जब मैंने चैप्टर पढ़ाया, ठीक है। तो नंबर लिखने का सीधा तरीका है कि आप 10 वाले डिजिट को 10 से मल्टीप्लाई करो और उसमें यूनिट डिजिट प्लस कर दो, ठीक है। तो ये हो गया अपने पास नंबर। अब क्वेश्चन में बोला गया था कि इनके डिजिट का प्रोडक्ट है 24, तो एक डिजिट x है दूसरा y है, तो इनका प्रोडक्ट हो जाएगा x इंटू वाई, और ये कितने के बराबर होना चाहिए, 24 के बराबर होना चाहिए। तो ये हो गई अपनी पहली इक्वेशन। दूसरी कंडीशन ये बताई थी कि जब आप 18 सब्ट्रैक्ट करोगे नंबर में से तो डिजिट इंटरचेंज हो जाएंगे, तो जो भी अपने पास नंबर है उसमें से अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूँगा 18 तो यहाँ पर डिजिट इंटरचेंज हो जाएंगे। डिजिट इंटरचेंज का मतलब है, देखो यहाँ पर 10 के साथ वाई है और यहाँ सिंगल क्या लिखा हुआ है, एक्स। हम उल्टा कर देंगे, हम यहाँ पे 10 के साथ y की जगह x लिख देंगे और जहाँ पे x था उसकी जगह y लिख देंगे, तो मतलब y की जगह x आ गया, x की जगह y आ गया, इंटरचेंज हो गया। फिर से समझा रहा हूँ, जो भी नंबर है उसमें से 18 माइनस किया तो ये बराबर हो जाएगा नंबर के डिजिट को इंटरचेंज करने से, जो नंबर बन रहा है। नंबर की वैल्यू अपने के पास है 10y प्लस x, तो इसकी जगह आ गया 10y प्लस x, माइनस में 18 ऐसे ही रहा, इसको ऐसे ही कॉपी कर दिया। अब यहाँ पे 10y है, ये y इधर आएगा माइनस में, 10y माइनस वाई बचेगा 9y, और यहाँ पे x है, यहाँ पे 10x इधर माइनस में आएगा, माइनस 10x प्लस x माइनस 9x आएगा, माइनस 18 उधर जाएगा प्लस 18,
सबको 9 से डिवाइड कर दो, तो 9 से डिवाइड किया वाई बचा, इसको 9 से डिवाइड किया एक्स बचा, इसको 9 से डिवाइड किया टू आ गया, ठीक है ना। सारे 9 से डिवाइड हो रहे हैं, इसको 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 सबको 9 से डिवाइड कर दिया है, तो ये इक्वेशन आ गई। यहाँ से किसी एक की वैल्यू निकाल लो, अगर वाई की वैल्यू निकालोगे तो माइनस एक्स उधर जाएगा प्लस में, तो वाई की वैल्यू आ जाएगी टू प्लस एक्स, इसको हम बोल देते हैं इक्वेशन टू। मैंने अब लिखा पुट दिस वाई इन फर्स्ट, मतलब जो पहली इक्वेशन है इसको मैंने यहाँ पे उतारा, देखो सेम चीज़ मैंने कॉपी करी है बस, और यहाँ पे एक्स की जगह तो एक्स रहने दिया, लेकिन ये जो वाई है इस वाई की जगह टू प्लस एक्स लिख सकते हैं, तो इस वाई की जगह टू प्लस एक्स आ गया, इज इक्वल में जो भी है वो लिख दो। अब एक्स इंटू टू टू एक्स, एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 24। इसको थोड़ा अच्छे से अरेंज करोगे, पहले एक्स स्क्वायर वाली पावर मतलब टर्म लिख दो, फिर 2x, और ये 24 इधर आया माइनस में। इसको मिडिल टर्म स्प्लिट से हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 बन जाए 24, मल्टीप्लाई करके ऐसे नंबर ढूंढने हमें जिनको मल्टीप्लाई करके 24 आता है, और यहाँ पर माइनस है तो माइनस करके 2 आता है, तो 6 और 4 को मल्टीप्लाई करोगे 24, 6 माइनस 4 2 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर, इस 2x को मैंने लिख दिया 6x माइनस 4x माइनस 24 यहीं पे, ठीक है भाई। तो यहाँ से x कॉमन लोगे x प्लस 6 बच जाएगा, यहाँ से माइनस 4 कॉमन लोगे x प्लस 6 बच जाएगा, दोनों के पास x प्लस 6 है बाहर आ गया, अंदर बच गया x माइनस 4। तो इसको 0 के बराबर रखोगे तो x की वैल्यू माइनस 6 आएगी, इसको 0 के बराबर रखोगे x की वैल्यू 4 आएगी। अब देखो नंबर माइनस या प्लस हो सकता है, डिजिट तो पॉजिटिव ही रहते हैं, ठीक है ना। तो जो डिजिट है x, तो ये माइनस का नहीं हो सकता, ठीक है। तो x की वैल्यू आ गई 4, तो x की वैल्यू 4 आई, x की वैल्यू 4 आई तो y निकाल सकते हो। y हमने देखा था ऊपर क्या था, 2 प्लस एक्स, यहाँ पे आप देख सकते हो y था 2 प्लस एक्स, तो y की वैल्यू आ गई 2 प्लस एक्स, तो x की जगह 4 लिखा तो 2 प्लस 4 यानी 6, y 6 आ गया। अब देखो नंबर क्या होगा, टेंस का डिजिट कितना था y, तो y की वैल्यू आई है 6, और यूनिट प्लेस का डिजिट था x, x की वैल्यू आई है 4, तो यूनिट प्लेस पे 4 लिख दो, टेंस प्लेस पे 6 लिख दो, यानी 64 हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये था इसका पार्ट ए। इसके चॉइस में जो क्वेश्चन है और पार्ट में, ठीक है, ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, 4.3 का मेरे ख्याल से क्वेश्चन ये, ठीक है। इसमें बोला गया कि जो डिफरेंस है स्क्वायर्स का, दो नंबर्स के स्क्वायर का, वो है 180, और जो स्क्वायर है स्मॉलर नंबर का वो 8 टाइम्स है ग्रेटर नंबर के, हमें दोनों नंबर बताने हैं। तो मान लेते हैं जो ग्रेटर नंबर है, बड़ा वाला नंबर है, वो एक्स है, और जो स्मॉलर नंबर है यानी छोटा वाला नंबर है वो वाई है। क्वेश्चन में क्या बोला गया, जो डिफरेंस है इनके स्क्वायर का वो 180 है, तो बड़े नंबर के स्क्वायर में से छोटे नंबर का स्क्वायर घटा दिया, इनका डिफरेंस आ गया 180, ठीक है। इसी तरह से फिर क्या बोला गया था कि जो स्क्वायर है स्मॉलर नंबर का, तो स्मॉलर नंबर है वाई, यानी वाई का जो स्क्वायर है वो 8 टाइम्स है ग्रेटर नंबर के, वो 8 टाइम्स है ग्रेटर नंबर क्या है एक्स, यानी कि 8x के, ठीक। तो यहाँ पे क्या करो, वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या है, 8x है, तो आप यहाँ पे लिखो पुट वाई स्क्वायर इक्वल टू 8x इन इक्वेशन 1, यानी ये जो इक्वेशन 1 है इसमें वाई स्क्वायर की जगह आप क्या लिख दो, 8x लिख दो, तो एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर आया, माइनस में वाई स्क्वायर था, वाई स्क्वायर की जगह 8x है, तो इसकी जगह 8x लिख दिया, तो यहाँ से बन गया ये बराबर में 180, ऐसे लिख दो, ठीक है। इसको थोड़ा अरेंज करो, एक्स स्क्वायर यहीं पे, ये चीज़ यहाँ पे 180 धर आएगा माइनस में। इसको आप सॉल्व कर सकते हो, 180 इंटू में 1 है, 180 बन जा 180, मतलब माइनस करके 8 आए और मल्टीप्लाई करके 180, तो कौन है ऐसे नंबर 18 और 10, ठीक है, माइनस का बचना चाहिए इसलिए 18 माइनस करेगा। तो यहाँ पे लिख दिया एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस 10x, ये सब किया, ठीक है, कॉमन वगैरह लेके जब हमने सॉल्व किया, ये आपको आपको आता होगा, ठीक है ना। यहाँ से एक्स कॉमन आएगा तो एक्स माइनस 18, यहाँ से 10 कॉमन आएगा तो x माइनस 18, दोनों जगह x माइनस 18 है, ये बाहर आ गया, यहाँ बचा x प्लस 10, ठीक है। तो यहाँ से जब इसको 0 के बराबर रखोगे x की वैल्यू 18 आएगा, जब इसको 0 के बराबर रखोगे x की वैल्यू माइनस 10 आएगी। अब देखो यहाँ पे x को हम माइनस का नहीं लेंगे, क्यों नहीं लेंगे, इसका रीज़न है, इसका ये रीज़न नहीं है कि x नेगेटिव यहाँ पर आ गया तो नेगेटिव से दिक्कत है, नहीं, x नेगेटिव आने से दिक्कत इसलिए है क्योंकि अभी हमने ऊपर देखा था कि भाई वाई स्क्वायर की वैल्यू 8x है। अब आप देखो x को हम ये क्यों नहीं ले पा रहे हैं, इसलिए नहीं ले पा रहे क्योंकि अगर x को हम माइनस 10 ले लेंगे तो अपने को पता है कि वाई स्क्वायर बराबर है 8x, तो यहाँ पे अगर आप x की वैल्यू रखोगे तो माइनस 10 इंटू 8 माइनस का 80 हो जाएगा, यानी कि वाई स्क्वायर की वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी, और हमें पता है कि भाई किसी रियल नंबर का स्क्वायर नेगेटिव हो ही नहीं सकता, विच इज़ नॉट पॉसिबल। फिर से समझा रहा हूँ, x को हमने माइनस का क्यों नहीं लिया,
क्योंकि वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एट एक्स है, एक्स को अगर हम माइनस टेन ले लेंगे तो वाई स्क्वायर की वैल्यू नेगेटिव में आ जाएगा, ठीक है ना। यानी कि देखो करके देखो, चाहे एक्स को माइनस टेन रखोगे तो ये जाएगा माइनस एट्टी, यानी वाई स्क्वायर की वैल्यू नेगेटिव आ गई। स्क्वायर करके नेगेटिव नहीं आता रियल नंबर में, इसीलिए हम बोलेंगे क्योंकि भाई अगर हम ये ले रहे हैं तो वाई स्क्वायर नेगेटिव हो जा रहा है, विच इज़ नॉट पॉसिबल, इसीलिए इसको नहीं ले सकते, ठीक है। तो मतलब क्या, मतलब ये वाली चीज़ तो हो गई कैंसिल, अपने पास ये बचा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से अब x पता लग गया, y पता लगाते हैं, तो y स्क्वायर क्या है, 8x है, तो x की वैल्यू यहाँ पे हमें 18 यूज़ करनी है, तो 18 यूज़ करोगे तो 8 इंटू 18 144 होता है, y स्क्वायर की वैल्यू 144, तो y की वैल्यू प्लस माइनस अंडर रूट 144 कितना होता है, 12। अब यहाँ पे y नेगेटिव हो सकता है क्योंकि y नेगेटिव होने से किसी को कोई दिक्कत नहीं हो रही, ठीक है। सो फाइनली हमारे पास आंसर क्या आएगा, y की वैल्यू अगर 12 है तो x की वैल्यू क्या है, 18, या फिर y की वैल्यू माइनस 12 भी ले सकते हैं, x की वैल्यू वही रहेगी 18, तो ये दो जोड़े में आंसर आएगा, ठीक है भाई। चलो अब अगला देखते हैं। अगला जो है इसमें हम प्रूफ करना है कि जो पैरेलोग्राम होता है सर्कमस्क्राइबिंग सर्कल वो रोमबस होता है, ये तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 10 का, ठीक है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। चलिए अब केस स्टडी वाले क्वेश्चन करते हैं। अब देखो जो क्वेश्चन नंबर 13 है ये केस स्टडी वाला क्वेश्चन है, तो इसमें ये सब जो कहानी लिखी है इसको भूल जाओ, ये हमारे किसी काम की नहीं है, हम यहाँ से सीधा रीड करेंगे। यहाँ पर बोला गया है कि जो फिगर 5 है, ये रही फिगर 5, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टू काइट्स पॉइंट ए एंड पॉइंट बी फ्रॉम दी हैंड्स ऑफ मैन पॉइंट सी आर फाउंड टू बी 30° एंड 60° रिस्पेक्टिवली। मतलब एक आदमी खड़ा है पॉइंट सी पे, एक पतंग उड़ रही है पॉइंट ए पे, दूसरी पतंग उड़ रही है पॉइंट बी पे, मतलब काइट यहाँ पे और यहाँ पे है, तो यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन जो है ये आता है 30° और यहाँ से इस काइट का एंगल ऑफ एलिवेशन आता है 60°। हमें बताना है कि अगर हम ए डी को 50 ले लें, यानी ये 50 हो गया, और बी को 60 मीटर ले लें, यानी 60 हो गया, तो पहले पार्ट में बताना है लेंथ ऑफ स्ट्रिंग यूज्ड फॉर काइट्स ए एंड बी एज शोन इन फिगर। मतलब जो काइट ए है आदमी यहाँ से पकड़ के रखा, यानी स्ट्रिंग मांझा जो है यहाँ से धागा जो है, और दूसरे वाली पतंग के लिए जो मांझा या स्ट्रिंग है वो यहाँ से, तो मतलब मुझे ए सी बताना है कितना है और बी सी बताना है कितना है, ठीक है भाई। पहले पार्ट को पहले देखते हैं फिर बात करेंगे दूसरे पार्ट की। तो पहले पार्ट में देखो, फिगर मैंने यहाँ पर कॉपी कर ली है। अब एक काइट यहाँ पर है, स्ट्रिंग ये रही, ठीक है, तो हम बोलेंगे इन ट्रायंगल ए डी सी, ये वाला ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ए डी सी। अब देखो ये मुझे पता है, जो मुझे पता लगाना है वो ये है, तो मैं क्या करूँगा, मैं दिस डिवाइड बाई दिस करूँगा, तो इस एंगल के लिए ये क्या है, परपेंडिकुलर, और ये 90 है, तो ये हाइपोटेनस, तो मतलब साइन थीटा बनेगा। तो यहाँ से बोलेंगे साइन 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है 50, हाइपोटेन्यूज कितना है एसी, तो साइन 30 क्या होता है 1/2, ये हो गया 50/AC, यानी कि ये 50 और ये AC, ठीक है। तो 2 इधर जाएगा मल्टीप्लाई में, 50 × 2 = 100, AC इनटू 1 AC, तो AC की वैल्यू आ गई 100 मीटर। तो मतलब जो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है काइट ए की वो है 100 मीटर, ठीक है ना, ये आ गया 100 मीटर। इसी तरह से इस ट्रायंगल में आप ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ करोगे, आपको ये स्ट्रिंग पता लग जाएगी। यहाँ पे देखो मैंने किया हुआ है, मैंने लिखा इन ट्रायंगल BEC ये वाला, ठीक है, इसमें साइन 60 हो जाएगा दिस डिवाइड बाय दिस, ठीक है ना, इस एंगल के लिए ये परपेंडिकुलर है और ये क्या है हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज क्या होता है साइन थीटा। तो यहाँ से देखो ये हो गया साइन 60 इज इक्वल टू दिस, यानी ये 60 डिवाइड बाय ये BC या CB, तो साइन 60 √3/2 होता है, इसको मैंने ऐसे कॉपी कर दिया, ठीक है। यहाँ पर CB इधर आएगा, यहाँ पर आ गया, 2 जाएगा ऊपर मल्टीप्लाई में, √3 जाएगा नीचे डिवाइड में, तो यहाँ से 62 × 120/3। डिनोमिनेटर को रेशनलाइजेशन करना होता है तो नीचे क्या करो, ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो देखो यहाँ से √3 × 3 हो जाएगा, 3 से काट दोगे हो जाएगा 40, तो हो जाएगा 40√3, ठीक है। तो ये हो गया, मतलब क्या, मतलब अपने पास ये जो स्ट्रिंग थी ये आ गई 100 मीटर, और ये जो स्ट्रिंग थी दूसरी काइट की आ गई 40√3 मीटर। अब सेकंड पार्ट में क्या पूछा है, सेकंड पार्ट में बोला गया है डिस्टेंस डी बता दो, मतलब ये काइट यहाँ पे, दूसरी काइट यहाँ पे, इनके बीच का डिस्टेंस डी बताना है। तो इसको हम कैसे करेंगे, देखो भाई ये भी बहुत इजी है, ये जो पूरा है स्ट्रेट लाइन है तो ये पूरा एंगल 180 होगा, तो 180 में से 30 ये 60 है, 90 निकल गया, तो बीच वाला भी तो 90 ही बचेगा, तो मतलब ये एंगल है 90, ठीक है। तो मतलब जैसे ही ये 90 आया हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसको मैं आगे बनाता हूँ फिगर को, देखो यहाँ पर
ये अपने पास है 100 मीटर, ये अपने पास है 40√3, ये हमने निकाल लिया, ठीक है। निकाल के नहीं दिखाना, इसको आप डायरेक्ट फिगर में ऐसे 90 लिख सकते हो इस चैप्टर में, तो ये भी 90 हो गया। तो हम बोलेंगे इन ट्रायंगल ACB, यानी कि ये वाला जो ट्रायंगल है इसमें ACB आ गया 90। आप चाहो तो निकाल भी सकते हो, एक मिनट लगेगा, ठीक है, दिखा भी सकते हो। तो ये 90 आ गया। अगर ये 90 है तो 90 के सामने वाला हाइपोटेनस क्या है, डी, यानी डी का स्क्वायर बाकी दोनों साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होगा बाई पाइथागोरस थ्योरम, यहाँ लिख सकते हो बाई पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। पाइथागोरस के हिसाब से 90 के सामने वाली साइड इसका स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, ये हो गया। तो यहाँ से डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर, ए सी की वैल्यू कितनी है 100, तो 100 का स्क्वायर प्लस में बी सी का स्क्वायर, बी सी की वैल्यू कितनी है 40√3, तो 100 का स्क्वायर हो गया 10,000, 40 का स्क्वायर 1600, रूट थ्री का स्क्वायर रूट थ्री, तो यहाँ से 16 3 48 4800 हो गया। इन दोनों को ऐड किया 14800 आ गया डी स्क्वायर की वैल्यू है। डी निकालोगे तो ये अंडर रूट में चला जाएगा, प्लस माइनस में जाता है लेकिन डी डिस्टेंस है वो नेगेटिव नहीं होगा, तो ये आ गया अंडर रूट में। इसका अंडर रूट निकाल लेना, इतना आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी हो गया। अब देखो जो क्वेश्चन नंबर 14 है, इसमें जो सर्कस कंपनी है वो एक इस तरह का कुछ टेंट लगवाया है, जो टेंट है वो इन द शेप ऑफ सिलेंडर सरमाउंटेड बाई ए कॉनिकल टॉप है, मतलब नीचे सिलेंड्रिकल पार्ट है, इसके ऊपर एक कॉनिकल टॉप लगा हुआ है। हमसे बोला गया है कि इफ़ द हाइट एंड डायमीटर ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट आर 9 and 30 meters, मतलब जो ये सिलेंड्रिकल पार्ट है नीचे वाला, इसकी हाइट 9 meters है और इसका डायमीटर 30 meters है, और जो हाइट है कॉनिकल पार्ट की वो 8 meters है, मतलब जो ऊपर कोन है, ठीक है, ऊपर जो कोन है इसकी हाइट 8 meters है। दो चीज़ें हमसे पूछी गई हैं, पहले पार्ट में बोला गया है एरिया बता दो कैनवस का जो यूज़ हो रहा है, दूसरे पार्ट में बोला गया है कॉस्ट कितनी लगेगी कैनवस को ख़रीदने की अगर 200 पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से ख़रीदा गया है और इतना जो है कैनवस वेस्ट हो गया है स्टिचिंग वगैरह में। तो चलो दूसरे पार्ट को भी भूल जाओ, पहला पार्ट पहले देखते हैं, ठीक है। चाहे आपको पहला पार्ट करना है दूसरा पार्ट करना है, इसकी इमेज एक बार अच्छे से बना लेनी है, ठीक। तो इमेज कैसे बनाओगे, देखो नीचे क्या है, एक सिलेंड्रिकल पार्ट है, ऊपर एक कॉनिकल पार्ट है। हमें बोला गया है कि जो सिलेंडर की हाइट है वो 9 meters है और जो डायमीटर है वो 30 meters है, तो अगर ये डायमीटर 30 है तो रेडियस उसका आधा यानी कि 15 हो जाएगा, और जो कॉनिकल पार्ट है इसकी हाइट क्या है 8 meters है, ठीक है, रेडियस दोनों की सेम है। तो यहाँ मैंने मेंशन भी कर दिया है सब कुछ कि जो हाइट ऑफ कोन है उसको मैंने स्मॉल एच बोला है जो कि 8 meters है, हाइट ऑफ सिलेंडर जो है उसको मैंने कैपिटल एच बोला है, यहाँ पर लिख सकते हैं हम कैपिटल एच बोला है जो कि 9 meters है, और रेडियस ऑफ कोन रेडियस ऑफ सिलेंडर दोनों को स्मॉल आर बोल दिया, दोनों बराबर हैं जो कि 15 meters दिख रहे हैं, ठीक है भाई। अब क्योंकि मुझे यहाँ पे एरिया निकालना है तो कोन वाला जब पार्ट निकालेंगे तो एल की ज़रूरत पड़ेगी कहीं ना कहीं, तो इसलिए एल पहले ही निकाल लेते हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पर देखो एल क्या होगा, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, आर मतलब दोनों का सेम ही है तो आर कितना है 15 का स्क्वायर, एच कौन सा है, ये कोन की बात कर रहे हैं तो कोन का एच होगा, तो कोन का एच कितना है 8, तो 8 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर ये रहा इसका स्क्वायर ये रहा, दोनों को ऐड किया 289 आ गया, अंडर रूट निकाला 17 आ गया, तो मतलब एल तो अपने को पता लग गया। अब बात आती है कि भाई जो कैनवस लगा है वो कहाँ कहाँ लगा है, देखो नीचे तो ज़मीन होगी वहाँ तो लगेगा नहीं, ठीक है, यहाँ पे सर्कल वाले पार्ट में भी नहीं लगेगा, ठीक है। तो मतलब अगर मैं बात करूँ सिलेंडर की तो सिलेंडर का जहाँ जहाँ कर्व सर्फेस एरिया है वहाँ वहाँ लगेगा, और जो ऊपर कोन है इसके भी कर्व सर्फेस एरिया में ही सिर्फ कैनवस यूज़ होगा, मतलब जो टोटल कैनवस यूज़ हुआ है वो सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया में और कोन के कर्व सरफेस एरिया में यूज हुआ है, तो दोनों को ऐड कर दो। तो यहाँ बोलेंगे एरिया ऑफ कैनवस क्या हो जाएगा, सिलेंडर का कर्व और कोन का कर्व। अब क्योंकि ये सिलेंडर का है तो यहाँ पे हाइट कौन सी लोगे, सिलेंडर वाली जो कि कैपिटल एच मानी है मैंने, तो यहाँ से 2πrh और πrl हुआ, तो यहाँ से πr दोनों जगह कॉमन आ गया, यहाँ पे 2 × h बच गया और यहाँ पे क्या बच गया, एल बच गया, तो पाई की वैल्यू 22/7 यूज़ करी है, रेडियस है 15, यहाँ पे 2 × में हाइट ऑफ सिलेंडर यानी कि 9, ठीक है, 8 मत लिखना, जो 8 वाली हाइट है वो कोन की है जबकि यहाँ पे हाइट किसकी है, सिलेंडर की, तो ये आ गया। एल की वैल्यू आ गई 17, अभी हमने निकाली थी, तो यहाँ से 15 × 2 करोगे 30 का 0 कैरी गया 3, 15 × 2 = 30 और 3 = 33, यानी कि 22 और 15 को मल्टीप्लाई करके ये आ गया, डिवाइड बाई 7 यहीं पर है, 2 × 9 = 18, 18 और 17 जोड़ोगे कितना आएगा 35, तो 7 × 1 = 75 = 35, काट के आ गया 5 को इससे मल्टीप्लाई करोगे 1650, ठीक है ना, 5 × 0 = 0, 5 को इससे मल्टीप्लाई करोगे 1650 यानी कि 1650 meters² आ जाएगा। तो पहला पार्ट हो गया।
दूसरे पार्ट में क्या बोला गया था, कॉस्ट बता दो। ठीक है, 200 रुपये रेट है और इतना कपड़ा खराब हुआ है। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे भाई जो कॉस्ट आएगी वो कैसे आएगी, एरिया ऑफ कैनवास जो यूज हुआ है इनटू में रेट, किस रेट से पैसा हमने लगाया है। तो देखो 1650 तो कैनवास लग गया बनाने में, 30 जो था वो खराब हो गया था। क्वेश्चन में बोला गया है कि 30 स्क्वायर मीटर खराब हो गया। ठीक है भाई, तो हम क्या बोलेंगे, इतना बनाने में लगा इतना खराब हुआ, तो खरीदा तो दोनों मिला के होगा, जो खराब हुआ वो भी, जो बनाने में लगा वो भी, तो खरीदा टोटल हमने इतना था 1650 और 30 यानी 1680, और रेट जो है वो 200 रुपीस है पर स्क्वायर मीटर का, तो यानी 1680 को 200 से मल्टीप्लाई करोगे इतना आ जाएगा। तो ये हो गया, तो इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।